वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जो है वो आपको इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में देखने को मिलेगा। तो देखेंगे किस तरीके से जो है ये मैच हो सकता है, कौन जो है वो विनर हो सकता है और कैसा जो है इस मैच का सेशन रहने वाला है। इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको जो है वीडियो के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। तो एक एक करके सारी चीज़ें जो है मैं डिस्कस करूँगा। वीडियो को जो है लास्ट तक बने रहना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ पे इस वर्ल्ड कप से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाएगा। भले ही आपने जो है पूरे वर्ल्ड कप में बहुत अच्छे से फोटो नहीं उठाया हो, तो यहाँ पे इस मैच में जो आप विनर में सेशन में एक अच्छा प्रॉफिट उठा सकते हो। क्योंकि विनर जो है ना वो देखो मैचेज चाहे वन साइडेड हो, वैसे भी ट्रेडिंग बहुत अच्छे तरीके से होगा और सेशन जो है आपको यहाँ पे पूरे चार के चार जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आने वाले हैं। तो एक एक करके जो हम लोग इनके बारे में डिटेल से जो है चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग मैच की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है फाइनल मैच है इंडिया और जो है आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिख दिया है साउथ अफ्रीका का। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इंडिया का, तो इंडिया जो है ना पिछले कई सेमीफाइनल्स में जो है वो गया है। कभी सेमीफाइनल से बाहर निकल जाता है, कभी फाइनल से जो है वो बाहर आ जाता है। जैसे लास्ट एडिशन देखोगे तो आपको जो है वो फाइनल से बाहर आ गया। उसके पहले का जो T20 वर्ल्ड कप देखोगे तो वहाँ जो है वो सेमीफाइनल के आसपास जाकर जो है वो सब जो है वो दस्तक गुल हो गया। तो यहाँ पे जो फाइनल में गया है, और यही अगर हम लोग दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका जो है ना वो बहुत बार से जो है वो सेमीफाइनल तक जो है वो जाते हैं और सेमीफाइनल में जो है वो हार के वापस आ जाते हैं। और ऐसा जो है उनके लिए बहुत ही एक अचीवेबल मूवमेंट है कि वो जो है पहली बार जो फाइनल में गए हैं। तो अगर दोनों टीमों को देखा जाए, दोनों टीमों के लिए जो है वर्ल्ड कप जीतना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपको सैटरडे को यानी कि June 29 को जो है देखने को मिलेगा। टाइमिंग जो होगा इंडियन नेशनल टाइमिंग के हिसाब से, और वेन्यू जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस मैच के लिए। तो ये जो है आपको जो है किंगस्टन ओवल बारबाडोस में जो है देखने को मिलेगा। बारबाडोस में आपने बहुत सारे मैचेज जो है इस वर्ल्ड कप के देखे होंगे, इसके अलावा जो है CPL के मैचेज देखे होंगे। यहाँ पे बहुत सारे मैचेज होते रहते हैं, तो एक ही करके हम जो है डिस्कस करेंगे। और लाइव जो आप इसे हॉटस्टार या स्टार स्पोर्ट्स पर जो है ऑफकोर्स आप देख ही रहे हो, लास्ट मैच है तो आपको ये सब पता ही होगा। अब बात करते हैं कि अभी तक जो है आप मुझसे नहीं जुड़े हो और चाहते हो कि बहुत अच्छे तरीके से आप विनर सेशन इंटरव्यू ट्रॉफी उठा सको, ये जो व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पर आपको जुड़ जाना है। यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें मिलते रहता है। साथ में आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, पॉज करके सर्च करिए कुछ ऐसा जो है आपको देखने को मिलेगा, और या फिर जो है डायरेक्टली स्कैन करके जो आप यहाँ से जुड़ सकते हो। और इसके अलावा अभी तक जो है आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें ना, क्योंकि यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। अब बात कर रहे थे हम लोग एक बार पीस रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम लोग बारबाडोस की पीस की बात करते हैं, सबसे पहले बारबाडोस की अगर हम बैट्समैन के हिसाब से देखते हैं, तो बैट्समैन के लिए जो है अगर हम लोग बात करते हैं कि अर्ली ओवर्स जो होता है ना बैट्समैन के लिए, शुरुआत का जो मोमेंटम होगा वो कैसा रहेगा। तो देखो सबसे पहले कभी भी जब फाइनल मैचेज होता है तो एक जो है यूज पीस जो है वो जल्दी से नहीं दिया जाता है। बहुत ही रेयरली ऐसा 10% केस में जो है होता है कि यूज पीस आपको देखने को मिले, तो मेनली जो है वो फ्रेश पीस देखने को मिलता है। और जैसे भी जो है ना बारबाडोस के जो ग्राउंड देखोगे, पूरा वेस्ट इंडीज का ग्राउंड देखो, तो वो जो है ना स्लो जो है बहुत जल्दी फूमेज होते चला जाता है, जिसके चलते यहाँ पे बैट्समैन को जो है वो बैटिंग करना बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल होते रहता है। तो वो चीज़ें जो है आपको यहाँ भी रहेगा। अगर न्यू पिच मिलता है तो देखोगे उसमें जो अर्ली ओवर्स होगा उसमें मोमेंटम काफ़ी अच्छा खासा रहेगा, बॉल थोड़ा बहुत बाउंस भी करेगा, लेकिन बैट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा कि वहाँ पे जो है सेटल हो सके। इसके अलावा जैसे जैसे यहाँ पे जो है इनिशियल ओवर निकलता है तो बैट्समैन जो है ना थोड़ा सा सेट हो सकता है। जैसे अगर आपने लास्ट मैच यानी कि जो कल का सेमीफाइनल था वो भी जो आपने देखा होगा कि वहाँ पे शुरुआत में जो है वो रोहित शर्मा, और अगर हम लोग बात करते हैं तो जो पार्टनरशिप लगा था सूर्या का, तो उसमें दोनों पार्टनरशिप में देखोगे ना तो आपको देखने को मिला था कि दोनों ने जो है शुरुआत में बहुत अच्छे से एंकरिंग किया, बहुत ही कम रन से जो है ओवर आया तो आने दिया, लेकिन जो है वो ट्राई बहुत बड़े बड़े शॉट से नहीं किया। जब एक बार नज़रें जम गई पीच का, बाउंस का नज़र मिल गया, तब जो है ना वो रन बनाना शुरू किया। तो उस तरीके का जो है पीच आपको ये भी देखने को मिलेगा और वैसा ही जो है वो रहेगा। और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ते जाएगा यहाँ पे स्पिनर को फेस करना बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि स्पिनर जो है ना एक बहुत ही अच्छे एक्यूरेसी के साथ अगर डालेंगे तो यहाँ पे एक तो बाउंस नहीं मिलता। अगर आपने कल वाला मैच देखा हुआ तो देखते हुए बॉल गिरने के बाद बिल्कुल बाउंस नहीं आ रहा था, चाहे वो वेस्ट इंडीज के, चाहे वो इंग्लैंड का स्पिनर हो या फिर इंडियन स्पिनर हो, दोनों में जो है वो सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगा। विदर का जो है यहाँ पे काफ़ी जो है वो इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको भी देखने को मिलेगा कि बारिश जो है वो वेस्ट इंडीज में हमेशा रहता है लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं रहता, और वो चीज़ें जो आपको यहाँ भी परेशान कर सकता है। बॉलर के हिसाब से बात करते हैं तो न्यू बॉलर्स के लिए जो है, अगर न्यू बॉल है तो न्यू बॉल से जो स्विमर्स है उनके लिए काफ़ी अच्छा मैसेज यहाँ पर मिल सकता है कि मूवमेंट एक तरीके से नहीं आता, बाउंस जो है ना वो पूरा एक तरीके से बाउंस नहीं होता, कभी बॉल नीचे रहेगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी ज़्यादा बाउंस करेगा। तो वैसे में जो नई बॉल होगी उसके साथ विकेट लेना बॉलर्स के लिए काफ़ी अच्छा जो है वो रहेगा।
इसलिए बाउंस का एडवांटेज यहाँ पे मिल सकता है फास्ट बॉलर को, क्योंकि अगर अच्छा बाउंस जो है यहाँ पे आता है तो बैट्समैन रन बना पाता है, लेकिन अगर बाउंस अनइवन आता है, किसी बॉल में बाउंस बहुत ऊपर गया, किसी में नीचे आया, तो वैसे में जो बाउंस का एडवांटेज है वो बॉलर से मिल जाता है और वो इस इनिंग में जो है मिलते हुए नजर आ सकता है। हाँ, स्पिनर का जो टेक्टिक है वो भी जो है, अगर यहाँ पे काफी एक्यूरेसी के साथ जो है विकेट टू विकेट बॉल किया जाए तो स्पिनर को जो है अच्छा मिनट देखोगे, और ये वाला गेम में जो है ना बहुत अच्छे तरीके से स्पिनर जो आपको यूज हो सकते हैं, इस चीज़ का जो आपको यहाँ पे देखना है। इसके अलावा बात करते हैं कंडीशन का अडेप्शन, तो जो भी बॉलर यहाँ पे बहुत जल्दी से विदर का प्लेयर जो है आपको यहाँ पे जो पीच है उसके वेरिएशन को जो है अडेप्ट कर लेगा, उसे जो बहुत अच्छा चांस रहेगा कि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से विकेट जो है खेल पाए, यानी कि अगर जिस तरीके का पीच डिमांड कर रहा है कि जो है आप पिच बॉल डालो तो आप डालें फुल पिच डालने का फुल पिच डालें, अगर उस तरीके से जो है बॉलर ने अडेप्ट कर लिया तो बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे रन बना सकता है और विकेट जो है वो ले सकता है, इस चीज़ का जो आपको यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पिच स्टेट्स जो है वो क्या कहता है इस ग्राउंड का। अगर हम पिच स्टेट्स की बात करते हैं तो आप देखोगे टोटल जो लास्ट यहाँ पे 30 मैच जो खेले गए जिसमें 19 फर्स्ट बैट जीता है और 11 जो है सेकेंड बैट जीता है, और इसका यही मतलब है कि यहाँ पे पिच जो है ना बहुत जल्दी स्लो होने चला जाता है, जल्दी से चेस नहीं होता है, और यहाँ पे देखोगे फर्स्ट बैट का एवरेज भी आप देखोगे तो 157 है, यानी कि यही बताता है कि रन तो यहाँ पे कम बन जाता है, 160 रन 170 रन यहाँ पे बन जाता है, उसे चेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा किसी भी टीम। इस चीज़ का जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करे तो थोड़ा सा ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, लेकिन अगर ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर न्यू पिच मिलता है तो जो है थोड़ा सा जो है दिक्कत हो सकता है पहले बैटिंग करते हुए। और स्कोरिंग पैटर्न आप देखोगे तो यहाँ पे जो 30 ये रन बने उसमें से 30 इनिंग जो यहाँ पे खेले गए हैं 150 से ऊपर सिर्फ 11 स्कोर है, 150 से नीचे 11 स्कोर है, और 150 से 70 के बीच में जो आप देखोगे तो आपको जो है यहाँ पे 8 स्कोर दिखाई देगा, 170 से 90 के नीचे देखोगे तो आपको जो है 7 स्कोर, और 190 से ऊपर से 4 स्कोर जो है वो बने हैं, यानी कि ग्राउंड ऐसा नहीं है जहाँ पे 190 200 रन जो है बना सको। यहाँ पे अगर 170 के आसपास जो है कोई भी टीम ले जाता है टारगेट फाइनल का तो वो जो है एक विनिंग स्कोर जो है वो हो सकता है, इस चीज़ का जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोनों टीमें जब खेलेगी तो कॉल किस तरीके से जो है बना सकती है। अब इसका एग्जांपल जो है लास्ट ये 4 मैच जो है इस हिसाब से ले सकते हैं, लास्ट 4 मैच जो आप देख रहे हैं 23 जून का मैच देखो यूनाइटेड स्टेट और इंग्लैंड का 115 जो है रन बना पाया यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट। इसके अलावा देखोगे मैच उससे पहले 21 जून को हुआ था जहाँ पे वेस्ट इंडीज और यूएसए का था तो यूएसए जो है 128 बना पाया। इसके अलावा देखोगे तो आपको तीसरा मैच जून 20 को था जहाँ पे इंडिया जो है 181 रन बनाया था, तो अफगानिस्तान जो आप देखोगे तो यहाँ पे 134 रन बना पाया। इसके पहले जो है चौथा मैच यहाँ देखोगे 8 जून को था तो ऑस्ट्रेलिया पे 2-1 रन बनाया था और इंग्लैंड 105 रन बनाया था, तो ये जो है ना यहाँ के जो स्कोरिंग है आप देखोगे कि अगर थोड़ा सा टीमें जो है फंसेगी तो कुछ जो है वो कुछ इस तरीके से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन अगर थोड़ा इस रिजल्ट के आसपास जो है वो टीमें ले जाती है 180 के आसपास 170 के आसपास तो फाइनल का प्रेशर भी रहेगा तो वो जो है चेस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और एक अच्छा जो है यहाँ पे स्कोर आपको बनते हुए नजर आ सकता है अगर इतना रन बन जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे हेड टू हेड का, तो अगर हम लोग हेड टू हेड की बात करते हैं तो इंडिया और आपको साउथ अफ्रीका में देखने मिलेगा टोटल 29 मैच जो है वो हो रखा है, जिनमें से 14 मैचेज इंडिया जीता है, 11 मैच साउथ अफ्रीका जीता है, एक नॉन रिजल्ट हुआ है और 3 जो है वो अबैंडन हुआ है। और अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो रिसेंट 5 मैच में से जो है इंडिया का 4 जीता है, एक अबैंडन हो गया था यूएसए के साथ, और यही हम लोग साउथ अफ्रीका की बात करते हैं लास्ट के 5 के 5 जो है ये जीत के आ रहे हैं, और लास्ट 3 मैचेस की बात करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का तो आप देखोगे ये लास्ट सीजन में दिसंबर में जो है 3 मैचेस खेले थे टी20, जिनमें से आप देखोगे तो एक मैच जो है वो इंडिया जीता था, दूसरा भी इंडिया जीता था और तीसरा जो है वनडर हो गया था, और ये जो मैचेस थे ना ये तीनों मैचेस जो आप देखोगे तो आपको जो है साउथ अफ्रीका में देखने को मिले। तो टी20 में अभी के हिसाब से देखोगे तो इंडिया का बल वाला जो है थोड़ा सा जो है साउथ अफ्रीका पे जो है वो हैवी पड़ता है और उसका एडवांटेज हमको मिलना चाहिए अगर हम चाहते हो कि जो इंडिया जो है यहाँ पे जीते। अब बात करते हैं कि प्लेइंग 11 का, अगर हमने दोनों टीमों का प्लेइंग 11 जो है एक बार देख लिया तो प्लेइंग 11 जो है कोई भी चेंजेस जो है आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा दोनों टीमों में, दोनों टीमें जो है ना ऑलमोस्ट सेम टीम के साथ जो है खेलते हुए आ रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे की प्लेयर कौन है, तो इंडिया तरफ से रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस जो है ना बहुत पिछले दो मैचों से बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है और सभी फैंस को जो है इंतजार है कि विराट कोहली का परफॉर्मेंस जो है आपको देखने को मिले, और इस मैच में जो है आप उम्मीद लगा सकते हो कि यहाँ पे जो है विराट कोहली से परफॉर्मेंस आ सकता है, कि विराट कोहली जो है ना पिछले जितने भी मैच किए सारे मैचों में जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक नहीं देखने को मिला है और फैंस इसी के इंतजार में कि फाइनल में एक अच्छा मैच जो है वो आ सकता है यहाँ पे, अगर आप ड्रीम टीम के लिए जो है जा रहे हो तो विराट कोहली टीम को जरूर लेंगे। इसके अलावा ऋषभ पंत को भी आप उम्मीद लगा सकते हो, सूर्य कुमार यादव जो है जिससे परफॉर्मेंस कर रहे हैं अच्छा है, दुबे का जो है लास्ट मैच का परफॉर्मेंस नहीं था गोल्डन का भी आप उम्मीद लगा सकते हो, पांड्या का जो है पिछले एक दो मैचों से अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, सभी ऑलमोस्ट देखोगे तो काफ़ी अच्छे फॉर्म में है,
जडेजा का भी जो है ना वो ठीक है, अक्षर पटेल का भी देखोगे तो पिछले एक दो मैच में जो है ना अच्छा रन बनाया है, विकेट भी जो है ना लास्ट मैच में अच्छा दिया है, कुलदीप का बॉलिंग अच्छा बहुत चल रहा है, इसके अलावा अस्दीप और बुमराह, तो आप देखोगे ना सभी जो है ना काफी अच्छे फॉर्म में है, सिवाय एक जो है विराट कोहली के, तो भी जो आपको यहाँ पे आने के चांसेस लग सकते हैं। इस तरह अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो क्वांटन डिकॉक का परफॉर्मेंस जो है पिछले कुछ मैचों से काफी बढ़िया चल रहा है, इसके अलावा देखो तो रिजा हैंडिक, एडम एक्रम और हैंडी क्लासिक, ये तीनों में जो है ना कोई भी जो एक परफॉर्मेंस जो है वो आपको जो है वो कर देता है पिछले जो भी मैचेस हमने देखा उसमें से, तो इसमें जो है वो देखना होगा कि कौन जो है वो परफॉर्मेंस आपको करता है, टीम टीमों से जो है कुछ इस तरीके से देखे जा सकते हो। और अगर आप ड्रीम टीम के लिए देख रहे हो तो अगर आप इंडिया के हिसाब से देख रहे हो तो क्या होगा कि कोई भी परफॉर्मेंस ना करें, इसके अलावा जो है डेविड मिलर का फॉर्म भी जो है थोड़ा ठीक है, इसके अलावा जो देखो टाइसन स्टफ्स का जो है आपको परफॉर्मेंस जो है थोड़ा वो देखने को मिल रहा है, मार्को जॉनसन का परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, केशव महाराज का जो है काफ़ी अच्छा है, रबाडा का भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, इसके अलावा अगर स्पिनर है यहाँ पे तो आपको जो है तगड़े सामने एक अच्छा आप देख सकते हो, तो ये जो है ना कुछ की प्लेयर्स हैं जिन पे जो है आप फोकस कर सकते हो अगर आप ड्रीम टीम के लिए जा रहे हो या किसी भी फैंटेसी लीग के लिए खेलते हो तो यहाँ पे जो है वो जा सकते हो। अब यहाँ पे जो मेरा ड्रीम टीम रहता है कि हालांकि स्मॉल जो है वो लीग के लिए है, तो स्मॉल लीग के लिए भी अगर आप खेलते हो तो या इस टीम के साथ जा सकते हो, बाकी जो ड्रीम का टीम होगा आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा या व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने टिकट के अपने कॉन्टेंट रिपोर्ट को रखा है और जो है आपको टीम के यहाँ पे बंद कर रखना है, बैट्समैन देखो तो रोहित शर्मा अगर आप चाहो तो विराट कोहली को जो है ऐड कर सकते हो, इसके अलावा जो है आप यहाँ पे विकेट लेना चाहते हो तो हमें ऑलराउंडर की बात करते हैं तो अक्षर पटेल को रखा है, पांड्या, आर्यन अक्रम और मार्को जॉनसन, ये चारों जो है प्लेयर्स जो है काफ़ी अभी जो है वो अच्छे फॉर्म में है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इसलिए कैप्टन जो हमने अक्षर पटेल को रखा है यहाँ का पीस को देखते हुए और इनका कुछ रिसेंट परफॉर्मेंस है वो भी देखते हुए, क्योंकि बैटिंग में भी जो है ना साझेदारी एक अच्छा जो है पार्टनरशिप यहाँ पे मांग के। बॉलिंग की बात करते हैं तो बुमराह को रखा है, चहल को रखा है, रबाडा और केशव महाराज को रखा है, इसके अलावा चाहते हो तो यहाँ पे जो है आप अर्षदीप को भी रख सकते हो और एक जो है आप यहाँ पे अगर कुलदीप को आप नहीं रखना चाहते हो तो आप जडेजा को भी जो है चाहे इंक्लूड कर सकते हो, बैट्समैन में आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, इसलिए ऑलराउंडर जो है कम करेंगे, तो ये जो है ना अभी के लिए जो है वो स्मॉल टीम का लीग है, ड्रीम टीम का लीग जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा या फिर जो है वो व्हाट्सएप पर मिलेगा, तो आप पूछ सकते हो और यहाँ पे खेलने के लिए आप इस वाले नंबर पे जो है वो डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो या स्पॉटिंग 11 सर्च करके जो है डायरेक्टली ड्रीम में खेल सकते हो और या फिर जो है आप डायरेक्ट स्कैन करके जो है ड्रीम इलेवन के लिए यहाँ पे खेल सकते हो। इसके अलावा वीडियो जो है अभी तक आप देख रहे हो और अभी तक आप उससे नहीं बोले हो चाहते हैं कि मैच विनर सेशन एंट्री के लिए बहुत अच्छे सब प्रति सकते हैं, जो व्हाट्सएप का नंबर है यहाँ पे जो आपको ले जाना है, साथ में प्रोग्राम ले जाना है कॉल पीजिए सर्च करके, ये कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो मैसेज जो है कराया जाना है, लास्ट का जो सेमीफाइनल था वो भी जो है यहाँ पे कराया गया है, तो आप जाकर जो है देख सकते हो, डायरेक्टली स्कैन करके भी देख सकते हो और अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, यहाँ पे आपको इसे लेकर सारी चीज़ें जो है मिलते रहता है, तो होप से ये वीडियो जो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा या फिर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मिलते आप सब लोगों में।